हाय स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों को पांच इंडिपेंडेंस का जो है इंटोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में जो है मैंने जो है आप लोगों को पजेट इंडिपेंडेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बताया था, तो आज जो है मैं कौन सा बताने जा रहा हूँ, इंटोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको मालूम है इसमें कुछ पूछा जाता है, इसमें कुछ पूछा जाता है, स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, वर्ब का कौन सा फॉर्म मिलेंगे वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क, इतने चीज होते हैं इंटरगेटिव में। एग्जाम्पल क्या आप दिल्ली गए, क्या आप दिल्ली गए, क्या आप दिल्ली गए, क्या आप गए जी, क्या आया हुआ है, क्या आया हुआ है, यानी कौन सा हुआ इंटरगेटिव सेंटेंस हुआ। तो क्या यहाँ पे किस चेंज करेंगे, क्या के लिए यहाँ पे हम लोग डिड चेंज करते हैं, पहले क्या होता है, इसके क्या होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ड होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या के क्या डिड चेंज करेंगे, डिड डिड सब्जेक्ट क्या है आप है यू, डिड यू डिड यू, वर्ड क्या है गए, जाने क्या होता है गो होता है, Did you go? कहाँ गए हैं, दिल्ली गए हैं, to दिल्ली। क्वेश्चन मार्क Did you go to दिल्ली। अगला सेंटेंस है क्या राम विद्यालय गया, क्या राम विद्यालय गया, तो क्या का क्या होता है यहाँ पे हम लोग क्या पहले आता है तो डिड यूज करते हैं, डिड राम सब्जेक्ट क्या है राम है, डिड सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है तो गया वो, कहाँ गया तो विद्यालय गया टू स्कूल टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क ये जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा था जी आपका पहला स्ट्रक्चर है इसका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, ये कौन सा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसका सेकंड स्ट्रक्चर भी होता है सेकंड स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे क्यों है, क्यों का क्या होता है व्हाई,
why did you हो गया क्वेश्चन वर्ड, why हो गया did, सब्जेक्ट you, ठीक है, वर्ड क्या इसमें गए, तो why did you move। मेरे माता पिता मेरे माता पिता घर में क्यों रहते थे यहाँ पे क्या है, देखिए रहते थे, तिथि आया हुआ, ये कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि इसमें क्या लास्ट में जो आया हुआ क्या हुआ, थे आया हुआ, बीच में देखिए क्यों आया हुआ, क्यों आया था, क्या हुआ इंट्रोगेटिव हुआ, तो मेरे माता पिता घर में क्यों रहते थे, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, वाई डेड, ठीक है, मेरे माता पिता क्या होता है, माई पेरेंट्स वाई इज माई पेरेंट्स, रामेश क्या होता है, लिव होता है, लिव, वाई इज माई पेरेंट्स लिव इन हाउस, तो आज जो है मैंने जो है आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट डे जो है मैं इसका जो है निगेटिव इंडिकेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, और आप लोग जो है इसका फेयर जो है नोटबुक पे फेयर बनाते जाएंगे, दैट